discount promo. So $500,000 सिर्फ चार दिन के अंदर, जिसमें अगेन 81% ऐसा हो सकता कि एक ही दिन सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, नहीं। तो गाइज आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कॉस्मेटिक ब्रांड जो 9 figures करती है और उसके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर्स रिपीट में आते हैं, और आप नंबर देखोगे तो आप चौंक जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, तो ये एक वो ब्रांड है और इसको बड़ी स्क्रीन कर देते हैं, जिसका नाम है बूम बाय सिंडी जोसेफ। और इसमें जो एज़रा फायरस्टोन, जो यहाँ पे आपको एक बंदा दिख रहा होगा ये पोनी के साथ, ये बंदा इस ब्रांड को 100% ओन करता था, अभी रिसेंटली इसने सेल कर दिया है और इसकी ब्रांड है बूम बाय सिंडी जोसेफ, कॉस्मेटिक ब्रांड है। अगर मैं इस वीडियो को रन करूँगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये बंदा कितने पैसे बना रहा है पर डे। सबसे बड़ी बात जो इसका रिपीट रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे आपको समझ आएगा क्यों इसकी ब्रांड की वैल्यू इतनी ज्यादा है। तो मैं आपको वीडियो प्ले कर रहा हूं, आप देखना। बेसिकली यहां पे ये बता रहा है कि इन्होंने एक प्रमोशन रन किया था जिसके थ्रू इनके पास इनकी जो सेल थी ऑलमोस्ट 400% इंक्रीज हो गई थी, जो कि था एक प्रोडक्ट को फ्री देना, और ये थ्रू आउट शायद इन्होंने एक पूरे महीने चलाया था। और इसमें ये दिखा रहा है और ये जितने बंदे दिख रहे हैं इसके मास्टरमाइंड के हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके, आप देखो, चेक दिस आउट। इन्होंने जून 6 को 2022 में $1,91,000 की सेल करी थी एक दिन में, एक दिन में, ना कि हफ्ते में, ना कि महीने में, ना कि साल में, सिर्फ एक दिन में। और जिसमें से 85% जो रेट है वो रिपीट बायर्स हैं, रिटर्निंग बायर्स हैं, दोबारा आ रहे हैं लोग खरीदने के लिए। दैट्स वेयर द ब्रांड पावर लाइज। अब इसमें जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है 85% रिपीट रेट के साथ साथ, वो ये भी है कि आप यहाँ पे इसका ग्राफ देखो, जो आपको दूसरे कलर में दिख रहा है, एक डार्क ब्लू दिख रहा है और एक थोड़ा सा टील कलर दिख रहा है। और ये जो टील कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि इसके जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो कितने, लाइक सिर्फ 15% लोगों को ये हर दिन एक्वायर कर रहा है। 15% का मतलब क्या हुआ, 3185 ऑर्डर्स के ऊपर से 15% ऑर्डर जो हैं आपके, वो हैं आपके मतलब टॉप ऑफ फनल, मतलब एड्स के थ्रू जो आ रहे हैं। तो 3185 अगर मैं इसका 15% लगाऊं तो सिर्फ 500 ऑर्डर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ टॉप ऑफ फनल से आए हैं, बाकी सारे ऑर्डर्स जो आए हैं वो रिपीट में आए हैं। अब यहाँ से बनती है ब्रांड, ये बनी है ब्रांड। और इस ब्रांड को अभी इसने ऑलमोस्ट शायद 60-70% हिस्सा इसने अपनी ब्रांड का बेच दिया, और उसके बाद इसने एक दूसरी ब्रांड बनाई है या खरीदी, एक्चुअली एक्वायर करी है। अगर आप चाहते हो उस पर मैं ब्रेकडाउन दूँ अपना तो मुझे कमेंट करके बताना। वो बहुत ही सही ब्रांड है, लाइक वो आपको इंडिया में भी बहुत रिलेटेबल लगेगी। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ चेक करो, इसका कन्वर्जन रेट 10% का आ रहा है। ब्रांड है ये, ब्रांड का कन्वर्जन रेट एट सच अ लेवल, ग्रेट। AOV $60 की है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और रन करूं तो ये पूरे हफ्ते का बताएगा, हफ्ते का भी नहीं, 1, 2, 3, 4, 6 से लेके 9 तारीख, सिर्फ 4 दिन का रेवेन्यू चेक करते हैं इसका कितना आ रहा है। $500,000 सिर्फ 4 दिन के अंदर, जिसमें अगेन 81%, ऐसा हो सकता कि एक ही दिन सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, नहीं, रिपीट कस्टमर्स इसने बिल्ड किए। और ये बिल्ड करने में इसको 5 मतलब ऑलमोस्ट 10 लगे, लेकिन मेन काम जो हुआ है वो लास्ट 5-6 में हुआ है। यहाँ से आपको मिलती है वो पावर, जहाँ पे आप ई कॉमर्स D2C ब्रांड को स्ट्रांग बनाते हो, और आप सिर्फ फेसबुक एड्स या टॉप ऑफ फनल ट्रैफिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो के आप अपनी एक्चुअली में ब्रांड बना पाते हो। इसके बाद सोचो कितने लोग आए हैं, ऑलमोस्ट 180,000 लोग आए हैं, जिसमें से 81% तो रिपीट बायर्स हुए हैं, और 8.5% का कन्वर्जन रेट आया, विच इज़ इनसेन। क्योंकि अगर मैं इसको आगे और चलने दूँ, जस्ट चेक दिस आउट, एड टू कार्ट रेशियो जो है 13% है, 10% ये है, उसके बाद 8.5% इसका कन्वर्जन रेट आ रहा है। अमेजिंग। इस नंबर के ऊपर और इस AOV के ऊपर ही मेरे ख्याल से अगर D2C ब्रांड बनानी है तो बनाई जा सकती है। और यहाँ पे इसके टॉप प्रोडक्ट्स भी दिख रहे हैं, तो इसका जो टॉप प्रोडक्ट है ये तो फ्री प्रोडक्ट दे रहा था, इस वजह से 6338 सेल्स आई हैं यहाँ पर। लेकिन इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो बूम स्टिक कलर, और बूम स्टिक बूम ब्राइट तो नहीं है, बूम स्टिक कलर ही एक्चुअली इसका मेन प्रोडक्ट जो है।
और यहाँ से आपको दिख रहा होगा मेन ऑर्डर सारे यूएस से आ रहे हैं, उसके बाद कनाडा से आ रहे हैं, और यहाँ पे सारी की सारी जो सेल है डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो ईमेल के थ्रू आए होंगे, और ईमेल तो यहाँ पे भी दिखा रहा है लेकिन डायरेक्ट वाला बेसिकली ईमेल और जो रिपीट बायर्स हैं वो वहीं से हैं। सोशल से इसका सिर्फ इतनी सेल आई है, $53,000 से सोशल से आई है, और बाकी सारी की सारी सेल जो आई है इसकी कहाँ से आई है, आई है आपके लाइक रिपीट बायर्स। सर्च का मतलब है गूगल शॉपिंग या गूगल सर्च के थ्रू जो इसकी सेल्स आई होंगी, और $12,000 जो ट्रैक नहीं हो पाया है यहाँ पे वो है। इनसेन नंबर्स यहाँ, मतलब ये चीज़ बनानी है, और आई वॉन्ट यू गाइज टू फॉलो दीज काइंड ऑफ गाइज रेदर देन फॉलोइंग एनी रेंडम गाय हु इज जस्ट ट्राइंग टू शो यू समथिंग जो अब चीज़ काम नहीं करती और उसके ऊपर कोर्स बना के आप लोगों को बेचा जा रहा है। नॉट वर्थ इट। कोर्स खरीदो, ट्रेनिंग खरीदो, कंसल्टिंग करो, जिस मर्जी से करो उसी से करो जो बंदा सही में काम कर रहा है इस वक्त। दैट डजंट मीन आई एम सेलिंग एनी कोचिंग और ट्रेनिंग और मेंटरशिप, आई एम नॉट। सो सीखो लेकिन उनसे जो काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में डे इन डे नाइट इन चीज़ों पे करते हैं, एंड दैट्स द रीज़न एज़रा फायरस्टोन का एक अपना कंसल्टिंग बिजनेस भी है और कोचिंग बिजनेस भी है, और इन लोगों से कोचिंग लेने का फायदा है बिकॉज दे एक्चुअली टेल यू व्हाट्स वर्किंग राइट नाउ एंड दे डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, और आप लोगों को इन लोगों के साथ मास्टरमाइंड करने का मौका मिलता है और ब्रांड को किस तरफ लेके जाना है वहाँ जाकर मौका मिलता है। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आई है तो मुझे बताना कॉमेंट करके, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा और इस तरीके की और वैल्यूबल लेसन लाता रहूँगा। अंटिल दैट टाइम, see you in my next video.